सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडी प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर आशीष अग्रवाल गांव गांव जाकर वैक्सीन लगवाने को कर रहे जागरूक। आपको बताते चले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सांडी नगर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 टीमें काम कर रही है। डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बताया कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसे लेकर हम लोगों को गांव गांव जाकर बात कर रहे हैं, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बाइट डॉक्टर आशीष अग्रवाल, उत्तर प्रदेश हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्तरों पे शहरी क्षेत्र में और ग्राम क्षेत्र में मेडिकल टीमें लगी हुई हैं। प्रतिदिन करीब 10 से 12 टीमें लगती हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, उनका एक माइक्रो प्लान बना के उनको लगाया जा रहा है। समस्याएं कुछ हैं, जिसमें क्षेत्र में लोगों में बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, लोगों में कुछ गलत भ्रांतियाँ हैं, जिसमें उनको लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद में हमें बुखार आ जाता है या और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इस संबंध में ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी वैक्सीन के बाद में अगर बुखार आता है तो एक सामान्य प्रक्रिया है और ये एक वैक्सीन का रिएक्शन होता है, जिससे किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्यतः 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है और इससे जो उस व्यक्ति को प्रतिरक्षण एक जो मिलता है वो उसको आगे की बीमारी के लिए बचाता है। कोविड वैक्सीनेशन में ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम 2 या 3 दिन के बुखार से ना डरें और अपने आप को सुरक्षित करें इस कोविड की बीमारी से, और हम आगे आएं जिससे अपने आप को भी स्वस्थ रख सकें और अपने समाज को, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। एक चीज़ में और भी विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक ग्रामों में हम लोग भी जा रहे हैं और देख रहे हैं, वहाँ पे पंचायती राज समिति के द्वारा भी ग्राम समितियाँ जो बनी हुई हैं, हमारी ग्राम निगरानी समिति है, अब जागरूकता समिति भी आ रही है, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, उनके माध्यम से भी जनता को प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है वैक्सीनेशन का, लोगों में बहुत ज़्यादा डर है और लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहूँगा, सांडी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आगे आएँ, अपना वैक्सीनेशन कराएँ। इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आप भविष्य में देखेंगे कि अगर आपने अपना वैक्सीनेशन करा रखा है तो जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उसके सापेक्ष आप कहीं अधिक सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो वैक्सीन ज़रूर करवाएं और अपने आप को सुरक्षित बनाएं।